Hey guys, कैसे हो आप लोग? A2Y ऑटो टेक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वो है बजाज की तरफ से। बजाज ने पल्सर NS200 का ABS वर्जन लॉन्च कर दिया है और उसकी प्राइस आपको 1.09 लाख मिल रही है, यानी कि 1,09,000 रुपये मिल रही है प्राइस। तो मुझे लगता है कि जो लोग NS लेना चाह रहे थे तो उनके लिए एक और ऑप्शन आ गया है कि उस बाइक में आपको ABS भी मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोशिश करें कि ABS वर्जन ही परचेस करें, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और हम दूसरी न्यूज़ में बात करने वाले हैं सभी बाइक्स कंपनियों की अक्टूबर मंथ की सेल की। तो यहाँ पे बजाज की सेल 1% की ड्रॉप हो गई है अक्टूबर 2016 के कंपैरिजन में, और यहीं पे होंडा की सेल 7% ड्रॉप हुई है, और यहाँ पे सुजुकी की जो सेल है 22% इंक्रीज़ हो गई है। तो ये सुजुकी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और TVS की बात करें तो TVS की सेल में 54% का इंक्रीमेंट हुआ है, और ये जुपिटर की सेल के कारण हुआ है, क्योंकि जुपिटर की सेल ड्रास्टिकली इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो इससे TVS को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि बजाज और होंडा की सेल ड्रॉप क्यों हुई, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सुजुकी की तरफ से। सुजुकी अपनी एडवेंचर मॉडल के GT वर्जन को अनवील किया है। ये मॉडल है V-Strom 650 और दूसरा मॉडल है V-Strom 1000। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी है सुजुकी की तरफ से। सुजुकी एक जल्दी ही मार्केट में क्रूज़र बाइक लेके आने वाली है, जो कि एंट्री लेवल की क्रूज़र बाइक होगी। इसका नाम है सुजुकी इंट्रूडर 150। काफ़ी पॉपुलर होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्रूज़र सेगमेंट में अभी तक केवल बजाज का ही मार्केट था। अभी तक कोई अदर बाइक लो प्राइस में या 150cc सेगमेंट में कोई अदर क्रूज़र बाइक थी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बजाज एवेंजर 150 और बजाज एवेंजर 220 को टक्कर देने वाली है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है होंडा की तरफ से। होंडा जल्दी ही लॉन्च करने वाली है अपना मोस्ट अवेटेड स्कूटर, जिसका नाम है ग्रेजिया, और ये मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड तक लॉन्च हो जाएगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है UM मोटर्स की तरफ से। UM मोटर्स यानी कि यूनाइटेड मोटर्स, जैसे कि आपको पता होगा अभी इसने कुछ क्रूज़र बाइक अपने इंडिया में लॉन्च किए हैं। इसमें से एक बाइक है स्पोर्ट S, इसकी प्राइस अभी 10,000 ड्रॉप कर दी गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा इसकी सेल बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब काफ़ी ख़राब सेल होने की वजह से, तो इन्होंने प्लान किया कि इसकी प्राइस को ड्रॉप किया जाए। तो उन्होंने फिर प्राइस को ड्रॉप किया, तो अब आपको ये 10,000 कम में मिलने वाली है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह है सुजुकी की तरफ से। सुजुकी हायाबुसा और GSX 750 और GSX 600 का 2018 वर्जन को इंट्रोड्यूस किया है। और नेक्स्ट न्यूज़ यमहा की तरफ से है। यमहा की जो R15 वर्जन 3 थी, बहुत लोग कब से वेट कर रहे हैं, आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि कब लॉन्च होगी आप बताएं, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन थी कि दिसंबर तक एंड तक लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2018 तक लॉन्च होगी। बाकी देखते हैं यार, कब से वेट कर रहे हैं, अब तो लॉन्च कर दो। और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये न्यूज़ है कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से। कर्नाटका गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अब से जो भी 100cc से कम की बाइक होगी वहाँ पे कर्नाटका में केवल सिंगल सीट ही होगी। तो गाइज़ ये जो इनका डिसीजन है, मुझे तो बहुत मतलब समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सारी 100cc से कम की बाइक है जो कि कैपेबल हैं दो लोगों के साथ राइड करने में, आराम से आप पीलिंग साथ राइड करते हैं, कोई भी एक्सीडेंट की दिक्कत नहीं होती। जैसे स्प्लेंडर हो गई, या काफ़ी सारी बाइक्स हैं कम्प्यूटर सेगमेंट की 99cc की, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं दो लोगों के साथ। तो ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। बाकी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज़ टाटा की तरफ से है। टाटा टिगोर AMT लॉन्च हो गई है, और जिसकी प्राइस आपको 5.75 एक्स शोरूम दिल्ली मिल रही है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।